मुस्कुरा रहे वैभव त्रिपाठी जी। वैभव जी, आपकी क्या स्थिति इस बार? पूर्वांचल में कुछ कमाल दिखा पाएंगे? समाजवादी पार्टी का कुछ जनाधार बढ़ा पाएंगे? इंडिया गठबंधन की 4 जून को सरकार बनने वाली है। अभी जो भाई कह रहे थे ना छड़ी, ये छड़ी लगी थी और घोसी में किस कदर दारा सिंह चौहान मुंह के बल गिरे थे। 40 कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार के लगे थे और गली गली घूमे थे ओम प्रकाश जी। खुद घोसी इस बार ओम प्रकाश जी के बेटे चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। अब बात करते प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी अगर विकास किए होते तो आज BHU हृदय रोग विभाग के गरीबों के मसीहा हैं डॉक्टर ओम शंकर, वो आमरण अनशन पे बैठे हैं और उनकी जानते हैं डिमांड क्या है। गरीबों को बेड मिले, मरीजों को बेड मिले, सुविधा मिले। भ्रष्टाचार BHU में व्याप्त है। 14 करोड़ रुपए लैप्स हो गए जो कि बेड बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला था, क्योंकि ऐसे अकर्मण्य कुलपति और ऐसे अकर्मण्य MS को BHU में अपॉइंट किया है मोदी सरकार ने। ये बड़े मुद्दे हैं। मोदी जी अगर इतना ही मजबूत होते तो पिछले गुरुवार से लगभग 25 से 30 लोग रोज लाइन में लग रहे हैं, उनको नामांकन का फॉर्म तक नहीं दे रहा है जिला प्रशासन। आखिर कारण क्या है? तो लोकतंत्र खतरे में है, जो हम कहते हैं वो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो वैभव जी आपके लिए इस बार दिख रही है, उन 2 सीटों से आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, आपको लग रहा है कि ये पूरी तरीके से साफ होने वाले हैं, क्योंकि ये मंगलसूत्र हिंदू मुसलमान यही तो कर रहे हैं चिकन मटन। हम ही बात कर रहे हैं युवाओं को नौकरी देने की, हम बात कर रहे हैं किसानों को MSP देने की, किसानों का कर्ज माफ करने की, महालक्ष्मी योजना में महिलाओं को सशक्त बनाने की 1 लाख रुपए सालाना देने की, पहली नौकरी पक्की में युवाओं को अप्रेंटिस देने की 1 लाख सालाना देने की। ठीक है, मोदी जी कर रहे हैं 10 साल में अगर इन्होंने 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया होता तो ठीक है। टाइम समय थोड़ा सा कम है SN सिंह जी, मैं आपको 10 से 20 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सीधा वाराणसी का रुख करूंगी। मेरे सहयोगी प्रशांत देव आपको नजर आ रहे हैं। SN सिंह साहब, पूजा जी बिल्कुल 20 सेकंड में कहूंगा। हाँ। पूजा जी आप सर्वे करा लीजिए, राजी जी वहाँ पे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी कह दे कि कभी समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, ऐसी आशाई आकारी सरकार आनी चाहिए, कभी कोई नहीं कहेगा। हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे अरे दुकानदार के दुकान में जो चीजें होगा वो दिखाएगा, 3 साल हो गया उत्तर प्रदेश में। चलिए दाव पेच हर किसी की तरफ से तो यहाँ पर छेड़े ही जा रहे हैं, अब किसका दाव जीत में बदलता है या नहीं ये देखना होगा। प्रशांत का मैं रुक कर लेती हूँ, ठीक है SN सिंह जी, थोड़ा सा समय आज मेरे पास कम है। प्रशांत दिखाइए किस तरह की तस्वीरें इस वक्त वहां पर है, क्योंकि आप इस वक्त दश अश्वमेध घाट पर मौजूद है, भीड़ तो काफी नजर आ रही है, दिखाइए।